सो हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं क्योंकि सावन चल रहा है, तो इसलिए सावन सोमवार के पहले हम मेहंदी लगा रहे हैं और साथ के साथ हम मूवी भी देख रहे हैं और पूनम बहुत ही खूबसूरत सी मेहंदी लगा रही है और जब पूरी लग जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ व्हाट अ डिजाइन। YouTube चैनल तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत खूबसूरत सी मेहंदी लगाई हुई जो कि मुझे पूनम ने लगाई थी और मेरे पैरों पे भी मेहंदी लगी है। जस्ट स्टिल डाउन द कैमरा एंड शो। बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर मेहंदी मुझे पूनम ने लगाई है। मैं वैसे खाली शगुन की मेहंदी लगाती लेकिन क्योंकि पूनम को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जैसे ब्राइडल मेहंदी होती है वैसे मेहंदी लगवाई है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त सावन चल रहा है और आज सावन सोमवार है तो ये मेहंदी लगाना और इतना सजना संवरना तो बनता था क्योंकि मुझे शिव जी की पूजा करनी थी सुबह जल्दी उठ के। तो उस टाइम मैं व्लॉग में शूट नहीं कर पाई उसको, लेकिन आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी अपनी शिव जी की पूजा शेयर कर लेती हूँ। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सावन में लड़कियाँ सजती हैं संवरती हैं मेहंदी लगाती हैं और शिव जी की पूजा करती हैं, तो मैंने भी वही किया है, शिव जी की पूजा की है। और क्योंकि अभी मैं व्लॉग थोड़ा लेट बना रही हूँ तो पूजा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ी सी पूजा शेयर करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सावन का जो महीना होता है वो शिव जी को बहुत पसंद होता है, इसीलिए सावन के महीने में शिव जी की पूजा की जाती है और शिव जी को सब लोग प्रसन्न करते हैं उनकी, क्योंकि भोलेनाथ तो भोले हैं। तो सो इस महीने में सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं और उन्हें अपने अपने मन की बातें उन्हें बताते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं। और शिव जी क्योंकि वो भोले हैं और उनकी जब पूजा करते हैं तो वो खुश जाते हैं और वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो इसलिए सभी लोग सावन के महीने में शिव जी की पूजा करते हैं। और सावन के महीने में स्पेशली जोरों शोरों से शिव जी की पूजा करते हैं, तो
मैं भी वही करती हूँ और मैं तो शिव भक्त हूँ। मैंने अपने पिछले पुराने व्लॉग्स में भी हमेशा बताया है कि मैं कितनी बड़ी शिव भक्त हूँ। तो सावन का महीना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये शिव जी का फेवरेट महीना है, तो इसलिए ये मेरा भी फेवरेट महीना है और मैं पूरे दिलो जान से सावन के महीने में शिव जी की पूजा करती हूँ। तो जिनको भी अगर किसी को जॉब के लिए चाहिए या किसी को जीवन साथी के लिए चाहिए या किसी की लाइफ में कोई नॉर्मल कोई दूसरा प्रॉब्लम चल रहा है या जिस भी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो सब शिव जी सॉर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए भोलेनाथ की पूजा इस महीने में लोग करते हैं ताकि उन्हें उनकी सारी प्रॉब्लम से उनको सोल्यूशन मिल जाए। और सावन के सोमवार की कथा सुनते हैं। मैं अभिषेक तो मैं कर चुकी हूँ, अब कथा की बारी है, तो मैं कथा आप लोगों के साथ सुनूंगी और आप लोगों को भी सुनाऊंगी कि सावन सोमवार की कथा कैसी होती है। तो इस दिन लोग फास्ट करते हैं, सावन सोमवार चार सोमवार आते हैं और सावन के हर सोमवार पे मैं फास्ट रखती हूँ और भगवान शिव जी की पूजा करती हूँ और उनकी कथा सुनती हूँ। तो मैं अभिषेक कर चुकी हूँ और अब कथा की बारी है, तो कथा करते हैं। एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था, वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। सो अब हम कथा शुरू करते हैं क्योंकि जब भगवान की पूजा होती है तो अभिषेक और अभिषेक के बाद में आपको कथा करनी होती है, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी होती है। सो इस कहानी में एक साहूकार था जिसके पास धन दौलत घर बार सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके पास पुत्र नहीं था। तो वो सुबह शाम पूजा करता था, रोज शाम को जाकर शिव जी के आगे दिया करता था और शिव जी की बहुत पूजा आराधना करता था। तो एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि ये आदमी आपकी इतनी पूजा करता है तो आपको खुश होकर इसे वरदान देना चाहिए, इसे जो भी प्रॉब्लम है इसका सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी इंसान कोई भी भक्त आपकी पूजा या आराधना क्यों करेगा, आपके लिए व्रत क्यों करेगा। तो शिव जी ने कहा कि मैं इस भक्त के लिए केवल इतना कर सकता हूँ कि इसको एक ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो कि 12 साल तक जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात साहूकार सुन रहा था और ये बात सुनकर ना तो उसे खुशी हुई ना दुख हुआ। और उसके करीबन 10 महीने के बाद उसके घर में एक पुत्र आया, उसका पुत्र आया और वो पुत्र को देखकर उसके घर में सभी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वो खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि वो पुत्र केवल 12 साल तक जीवित रहेगा। और जब वो पुत्र 11 साल का हुआ तो सभी ने कहा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकार ने कहा कि नहीं, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। तो काशी जी ले जाने के लिए उन्होंने अपने साले को बुलाया, यानी कि उस लड़के के मामा को बुलाया और उनके साथ उन्हें काशी जाने के लिए कहा कि काशी जी पढ़ने के लिए बच्चे को लेकर जाना है। रास्ते में आप यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को खाना खिलाते हुए जाना, ये भी कहा था। रास्ते में वो इसी तरह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को खाना खिलाते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर आता है जहाँ पे उस शहर के राजा की बेटी का विवाह था और उसके विवाह के लिए बारात भी आई हुई थी, जहाँ पर दूल्हा था और दूल्हा काना था। तो दूल्हे के पिता इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि अगर राजकुमारी के घर वालों को पता चल गया कि ये जो उनका राजकुमार है वो काना है और इस ये सोचकर अगर उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया तो क्या होगा। फिर उन्होंने रास्ते में वो साहूकार के बेटे को देखा तो उनसे उनके दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं इस लड़के से कहूँ कि तू इसकी जगह विवाह कर लो, इसके बदले में हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। तो उस लड़के का मामा जो था वो मान गया और सारा का सारा विवाह की जो विधि होती है वो उस लड़के के साथ संपन्न हुई। लेकिन उस लड़के ने जाने से पहले राजकुमारी थी उसके दुपट्टे पे उसके चुनरी के ऊपर लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं पढ़ने के लिए काशी जी जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद तुमसे कहा जाएगा कि तुम्हारा विवाह इस राजकुमार के साथ हुआ है जो कि काना है। तो ये पढ़ने के बाद राजकुमारी ने मना कर दिया
कि मैं राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी। उसके माँ बाप ने उसका साथ दिया और वो उस राजकुमार के साथ नहीं गई। उसके बाद तब तक जो साहूकार का बेटा था वो अपने मामा के साथ काशी जी पहुंच गया। वहां जाके यज्ञ और हवन कर रहा था, उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और एक हवन चल रहा था और हवन के चलते उस लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मामा ने कहा तुम अंदर जाके आराम करो और मैं हवन संपन्न कराता हूँ। लड़का था वो अंदर गया आराम करने के लिए, तब तक उसके प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्होंने कहा कि इस वक्त रोना ठीक नहीं होगा, इस वक्त अपने दुख को दिखाना जो है वो उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बाहर गए, उन्होंने अपना यज्ञ पूरा संपन्न किया, ब्राह्मण को खाना खिला के उन्हें रवाना किया और उसके बाद उनका दुख जो था वो बाहर आया। और उसके रोने चीखने की आवाज़ें सुनकर वहाँ से शिव और पार्वती जी गुजर रहे थे, तो वो वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि एक लड़के की मृत्यु हो गई है। और फिर उनके पूछने पर पता चला कि ये वही लड़का है जो केवल 12 साल तक जीवित रहने वाला था। ऐसे में पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आपको इस लड़के को प्राण देने होंगे और इसे जीवित करना होगा, क्योंकि यदि ये इसके माता पिता को पता चलता है तो वो जीते जी मर जाएंगे। शिव जी ने पार्वती जी की ये बात मान ली और उस लड़के को जीवन दान दे दिया। इसी तरह यज्ञ और हवन करते हुए वो लड़का वापस अपने घर की तरफ जाने लगा अपने मामा के साथ। तो रास्ते में वही शहर आया और राजा ने पहचान लिया कि उनकी बेटी का जो वर है वो यही लड़का है और अपनी बेटी को उनके साथ रवाना कर दिया। जब वो अपने घर पहुंचने वाला था तो मामा ने कहा कि मैं घर जाके सबको बता देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के साथ घर आ रहे हो। माता पिता छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक हमारा बच्चा है वो सही सलामत वापस नहीं आता हम नीचे नहीं जाएंगे, और अगर उसे कुछ हो गया तो हम यही छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। ऐसे में मामा उनके पास जाता है और बताता है कि आपका जो बेटा है वो बिल्कुल सही सलामत है और वापस आ रहा है अपनी पत्नी के साथ। वो ऐसे में साहूकार को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा हो रहा है और इस बात से खुश होकर वो दोनों जाते हैं नीचे और अपने पुत्र का स्वागत करते हैं, उसकी पत्नी का स्वागत करते हैं और आदर सम्मान से उसे अपने घर में लेकर आते हैं। रात को शिवजी उस साहूकार के सपने में जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्योंकि तुमने सावन सोमवार के व्रत किए और पूजा आराधना की, उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे रहा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि सावन में शिव जी की पूजा आराधना करने वालों से शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कथा और ये था मेरा आज का सावन सोमवार की मेरी पूजा जो मैंने आपके साथ की है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।